चमोली में डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसे लेकर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS खाती ने बताया कि जन्म के बाद 5 साल तक के बच्चों को जिंक की गोलियां खिलाई जाएंगी, जिसके लिए गांव में सभी बच्चों को ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे। साथ ही जगह जगह लोगों को जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। और वो अपने आप ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दवाइयों का बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं होता है, जितना जो रोल होता है वो हमारा जिंक का होता है और थोड़ा ORS का होता है। ORS को कहा जाता है कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है। हम ये छोटा सा पैकेट सोचते हैं कि ये क्या है, कई बार हम दवाई भी लेते हैं तो लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब ORS का क्या करेंगे, लेकिन इस छोटे से पैकेट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जाता है। और दूर दराज क्षेत्र में आशाओं के माध्यम से हम ये ORS और जिंक वितरित करते हैं बच्चों को, और जो भी अस्पताल में बच्चे आते हैं उनको इस रोग से बचने के लिए उनके परिजनों को बताते हैं कि किस तरह से इससे किस रोग से बच्चों को बचाया जा सकता है और किस तरह से डायरिया से बच्चों को।